हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो इसके पहले भी मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर कंबाइन वाला सम पढ़ा चुका था, लेबर और मटेरियल वेजेस के ऊपर। अभी एक वापस एक सम सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये फॉर्मेट है, आप ये फॉर्मेट का क्या स्क्रीनशॉट लेके फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी आज मैं स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट किए बिना। अभी तुम्हारा एफ ए पेपर तो हो गया, तो मैं बहुत सारे कॉस्ट के वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि आज देख भी लेंगे तो भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट मटेरियल वेरियंस, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज। ऐसे तीन फॉर्मेट तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चिट नहीं मारना एग्जाम में, ठीक है, याद कर लेना तो अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिया है, फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स 800 किलो लिया एट द रेट ऑफ 6.40। क्या बोला है, फॉर 100 यूनिट्स 100 यूनिट्स बनाने के लिए 800 केजी मटेरियल लिया, क्या रेट से लिया, 6.4। तो इसको टेबल में डालेंगे तो कितना बोला है स्टैंडर्ड फॉर 100 यूनिट्स, मतलब 100 यूनिट्स के लिए आउटपुट 100 हो जाएगा तुम्हारा, जिसके लिए कितनी क्वांटिटी लिया उन्होंने, 800 किलो, इधर 800 आ जाएगा क्वांटिटी, ठीक है। और क्या रेट दिया इधर, स्टैंडर्ड रेट 6.40। तो ये स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन है, राइट। अभी एक्चुअल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअल क्या दिया है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया उन्होंने, 45,000 यूनिट। पहले कितना किया था 100, अभी कितना बना उन्होंने, 45,000 यूनिट। ये अपना एक्चुअल आउटपुट होगा, इधर लिखेंगे 45,000 यूनिट्स। और जिसके लिए उन्होंने कितना मटेरियल लिया, 3,50,000 kg, मतलब 100 आउटपुट बनाने के लिए 800 किलो लिया है, वैसे ही 45,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 3,50,000 दिया है। अब इसका ना रेट नहीं दिया, वी हैव गिवन दी अमाउंट, मटेरियल कॉस्ट का अमाउंट दिया 22,50,000। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मानी मेगा ये जो अमाउंट है ना उसको डिवाइड करना पड़ेगा, 22,05,000 को डिवाइड करना पड़ेगा। कितना कितना किलो है, ये अमाउंट है, ये तुम्हारा किलो है, राइट। जब इसको डिवाइड करेंगे ना आपको 6.30 आएगा रेट, क्या आएगा, 6.30, ये वाला रेट लिखने का। तो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट कितना दिया है, 22,05,000, इसको नहीं लिखने का आपको, क्योंकि ये टोटल अमाउंट उन्होंने स्पेंड किया, खर्चा किया। और कितना किलो खरीदा, 3.5 लाख किलो, और ये अमाउंट स्पेंड किया, तो डिवाइड करके कितना रेट आया, 6.30। तो ये तुम्हारा जो 6.30 है ना, वो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्चुअल रेट। तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट रेंज में है, और ये कितने दूर कितने पास। तो वी हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो ये अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो 100 आउटपुट के लिए 800 लग रहा है, तो 45,000 के लिए कितना लगेगा, तो वी हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो कैसे फाइंड करेंगे, 45,000 को 800 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है, 45,000 × 800 / 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आंसर आ रहा है तुम्हारा, ओ सॉरी, अरे क्या कर रहा है, 200 / 100, 3,60,000 आएगा। कितना आ गया, 3,60,000। ये जो 3,60,000 आ गया ना, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। अब देखो ये भी रेंज में आ गया ना, जब ये दोनों मिल गया ना अपने को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मेट में वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल यूसेज वेरियंस। तो अब ये क्वेश्चन था तुम्हारा, राइट, 100 यूनिट्स के लिए 800, 6.4 था रेट, एक्चुअल प्रोडक्शन इतना किया, मटेरियल कितना यूज़ किया, 3.5 लाख किलो, और कॉस्ट दिया था इसको, इसको डिवाइड करके अपने को क्या निकाला, रेट निकाला। अभी सब मिल गया है तो फॉर्मेट में वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 3,60,000, स्टैंडर्ड रेट कितना है, 6. तो इसको लिखा 6,60,000 × 6.40 - एक्चुअल क्वांटिटी 3,50,000 × 6.30। ये दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो मल्टीप्लाई करके इसका 23,40,000 आ रहा है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो कुछ 22,05,000 आया है। अब दोनों को जब माइनस किया तो आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो जब प्लस में आ रहा है ना, आप लोग एफ लिखेंगे फेवरेबल, और माइनस में आएगा तो एडवर्स लिखेंगे। ये मटेरियल कॉस्ट निकाला, अभी क्या निकालना है, कब देखो मटेरियल प्राइस वेरियंस। तो मटेरियल प्राइस वेरियंस से क्या करेंगे, दोनों रेट को माइनस करेंगे, दोनों रेट बोलेगा तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इन दोनों को क्या कर देने का, माइनस कर देने का, 6.40 - 6.30 एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आएगा। एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया तुम्हारा, 3.5 लाख, उसको माइनस करके 10 पैसा आया, 3.5 लाख। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा था, फेवरेबल हो गया, क्या हो गया, फेवरेबल, राइट। अभी क्या निकाल लेगा, मटेरियल यूसेज। मटेरियल यूसेज में क्या करना है, दोनों क्वांटिटी को माइनस करना है, दोनों क्वांटिटी बोले तो 3,60,000 और
3.5 लाख है ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी को माइनस किया, स्टैंडर्ड रेट कितना है तुम्हारा 6.40। जब इसको सॉल्व करेंगे ये 10,000 आ जाएगा, 6.4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ आंसर 64,000 आ रहा है, 64,000 फेवरेबल आ रहा है ना। तो आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। मटेरियल प्राइस और मटेरियल रिसोर्स को क्या करने के ऐड करेंगे ना आप, तो बैलेंस कर सकते हैं, ये पूछा नहीं है आप बैलेंस कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो 35,000 फेवरेबल है, इसके लिए प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस, और 64,000 भी क्या है प्लस है, फेवरेबल है, तो आंसर आया ना 99,000 फेवरेबल, मतलब तुमने पूरा सम राइट किया है। तो एक तुम्हारा आपको सम आ सकता है 8 या 10 मार्क लिए आएगा राइट, इतना छोटा सा सम, मिक्स सम रहेगा तो लेंथ ही रहेगा ना। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने सॉल्व कर दिया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस राइट, तो ये फॉर्मूला था ना, तो मतलब आप देख सकते हैं कि 6 मिनट में एक सम सॉल्व होगा तुम्हारा ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, लेबर के लिए और एक नेक्स्ट वीडियो में डाल देता, तो तुम्हारा काम और आसान आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू। ये था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।